क्यों भाई, अब बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, अब तो दानवीर करण बनकर दोनों हाथों से लुटा रहे हो। सूर्या, ये ताजा दूध है, पी लो, पीते ही तुम्हारे रगों में ताकत आ जाएगी, फिर करना तलवारबाजी। लो पिला दो इसे। अच्छा, आप यहाँ फ्री की रोटियाँ तोड़ते हैं, आप तलवार उठा के क्यों नहीं लड़ते? तलवार चलाना मुझे अच्छे से आता है, मैंने तलवार उठा ली ना तो लोगों के डर से सुसु। ये देखो। क्या कहा? ये देखो। अच्छा, अगर मैंने तलवार अपने हाथ में उठा ली ना तो दो चार कट नहीं है, इसीलिए मैंने तलवार उठाना बंद कर दिया है। वाह, क्या बात है, अभी तुम्हें जरूरत है तुम ही तलवार निकाल लो। तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और देखो तलवार निकल जाएगी। आप पागल हो गए, मेरे पास क्या कोई कुबेर का खजाना दबा पड़ा है? पैसे कमाने का उससे आसान तरीका है। क्या तरीका है बताओ तो? अभी बता। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे? मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5,000 है। मेरे पास 25,000 है। तो ये 5,000 मिलकर हो गए 30,000। 15,000 आपके और 15,000 मेरे। अब ना कोई राजा है ना फकीर, एवरीवन इज इक्वल, सब एक समान है। ये तो मजा आ गया, 5 के 15,000। इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे सोशलिज्म कहते हैं। ओहो, सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है, अगला तरीका क्या है? बड़ी ये क्या था? राउडीज्म। जेब में जितने पैसे निकाल के मुझे दे दो। नहीं निकालूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। मेरी तलवार निकालो। तलवार निकालने की क्या जरूरत है? अभी गुंडाइज्म भी तो दिखाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके टुकड़े करके कुत्तों को टुकड़े करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता। ये पकड़ो सारे पैसे, इसे छूना भी पाप है। अच्छा, 2x2? 2x2 किसको बोला? नहीं तो क्या अमिताभ बच्चन बोलूं? ये चलेगा भैया। एक बात समझ लो, अगर आगे से मुझसे किसी भी गलत काम के लिए पैसे मांगने चले आए ना, तो टेररिज्म दिखा दो। अब ये टेररिज्म क्या है भैया? आपके पिछवाड़े में बड़ा सा रॉकेट लगा दूंगा, कितना डेंजरस होता है ये बताएगा। नमस्ते सर, आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। माँ, 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 कलेक्टर साहब आए। सर प्लीज बैठिए ना, आप कॉफी पियेंगे या चाय? इस पेपर पे साइन करके अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। पता है हम कितना नफरत करते हैं खाकी रंग से, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमार घर आने की? वो मेरे दामाद की जान ले लेगी। और जानते हो, मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई है। हम हाथ जोड़ते हैं, इन्हें माफ कर दो। मेरी पत्नी भी उनके चंगुल में। प्रजातंत्र का मतलब ये तो नहीं कि जब चाहे किसी के घर में घुस गई, यहाँ प्रजातंत्र नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो हम बनाते हैं। हमसे पूछे बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। कलेक्टर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कंप्लेंट लाओगे और हम उसे मान लेंगे? जिन हाथों ने उस पर मोहर लगाई, उन हाथों को अब काटना ही होगा। अरे काट कर फेंक देते हैं हम उन हाथों को जो हमारे खिलाफ उठते हैं। दादा, आपके बारे में नहीं पता था, ये कंप्लेन वापस कर देंगे, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन प्रशासन और कानून की ताकत है आपके पास। जंगली हैवान किसी नियम कानून को नहीं मानते, मैं सारी ताकत लगाकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो उसकी ताकत क्या है? उस इलाके के सारे वोटर्स, 2 MP, 3 मिनिस्टर्स और 10-10 MLAs का सपोर्ट है उसके साथ। मैं अपनी फैमिली को ही नहीं बचा सकता तो किसी को क्या बचाऊंगा? सर एक काम करते हैं, मैं सूर्या, पेपर साइन कर दो बेटा। समझ आ गया बेटा, तुम तो 25 साल पहले जन्म लिए थे, पर ये लड़ाई 70 साल पुरानी है। तुम्हें क्या लगा था प्रशासन को इसका पता नहीं?
सरकार ये बात नहीं जानती? तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्हें ये विचार नहीं आया था, सिर्फ तुम्हें ही आया। अगर 10 लोगों के मरने से 10 लाख लोग जीवन पाते हैं तो उनका मरना जायज है। तुम तो शहर से अभी अभी आए हो, तुम यहाँ के नियम कानून नहीं जानते हो बेटा। यहाँ का समाज और सिस्टम हम जानते हैं। आदमखोर का शिकार करना मानव का धर्म होता है। अपनी जान गंवाकर दूसरों की जान बचाने वाला ही सच्चा रक्षक है। तुम्हें इन दो परिवारों के बीच के इस युद्ध में अर्जुन बनकर बुराई का सर्वनाश करना होगा। तुम्हारा धर्म है अपने परिवार की और राज्य के लोगों की रक्षा करना। जाओ। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, धर्मयुद्ध के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है। दुष्टों का संहार करने से ही दुष्टता खत्म होती है। नहीं माँ, लड़ाई करने से कभी भी किसी मसले का हल नहीं निकलता। जान लेना अधर्म है, मुझे हथियार उठाने चाहिए या नहीं इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। अरे क्या हुआ? घबराओ मत दत्ता जी। क्या हुआ बेटी? बहुत दर्द हो रहा है, फौरन अस्पताल लेके जाई पड़ी। दत्ता, सूर्यवंशी का क्षेत्र में एक औरत बच्चा को जन्म देने वाली है। क्या कह रहा था वो, हमार खानदान में अगले 10 पुश्तों तक कोई लड़का तो का चूहा भी पैदा होने से डरेगा। तो जाओ तुम लोग जाकर उसे दिखाओ चंद्रवंशियों के क्रोध की धधकती हुई ज्वाला। काट डालो सबको। अरे जल्दी चला भैया, इसका बहुत दर्द हो रहा है। बड़ा आगे बढ़ा, बस थोड़ी देर और सहन कर ले बिटिया। अरे ये चलना कहाँ से आ गए? अरे चला बड़ा बड़ा, अरे जल्दी चला। प्रभु पिताजी का आदेश नहीं सुना था क्या तूने? मार डाल बच्चे को। देख बच्चे, वापस जा। चुप बे बुड़बक। हम तो कहते हैं ही लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, पहले किसी पे हाथ मत उठाना, और अगर एक बार हाथ उठाया तो उसे छोड़ना मत। प्यार से कह रहा हूं वापस चला जा, वरना मौत का तांडव देखेगा। इस वक्त मेरे दिल के अंदर प्यार है और मेरे दिमाग में सुकून भरा पड़ा है। अगर ये हट गया और मैंने तलवार उठा ली ना, तो तुम्हारी चिता जलाने के लिए भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत तेरी?
सांड कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बनता। मेरी बात ध्यान से सुन, तूने एक और गलती की ना तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ए कुत्ते, ये देख लड़का, अभी का मार के दिखा। और उड़ रहा हमार रक्षा, एक बाप की औलाद है तो अब दिखा अपनी मर्दानगी। तेरी माँ ने सिर्फ नामर्द जने हैं नीच कही के। संपायर तुम्हारे नाम करता हूं, लोगों की भलाई के लिए तुम इसका जैसे चाहो इस्तेमाल करो बेटा। इस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इको एक बच्चा मारने के वास्ते भेजे थे हम, पर ये तो खुद ही अपना सर मुंडवाला आया। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, हमारे लोग हमसे ही मरवा रहा है। जाने तो कुछ मत करो, जिंदा छोड़ दो इसको। सड़क पर बहुत कुत्ता घूमता है, ये भी उनके साथ मुंह मारता फिरेगा यहाँ वहाँ। जो हमरे काम नहीं आ सकता हम उसे किसी काम का नहीं छोड़ते। चलो जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मेरा दिल लुढ़क पुढ़क करता है, समझाने पर मानता ही नहीं। तुम्हारा दिल भी लुढ़क पुढ़क करता है क्या? लुढ़क पुढ़क नहीं होती। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जिसके दिल में मुझे देखकर लुढ़क पुढ़क नहीं होती उसका चेकअप करना चाहिए। मैं चेक करूं? नहीं 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 प्लीज, तुम दूरी रहना, दूरी रहना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं संध्या से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? आप कहें तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ करूँ? वैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, जैसी हो वैसी ठीक हो। सच सच बताइए कि मैं संध्या से ज्यादा सुंदर हूँ ना? और मेरी कमर उससे ज्यादा लचीली है ना? तुम्हारी तो जबान भी उससे तेज चलती है। क्या कहा ये, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ, बस सिर्फ इतना ही पूछती हूँ कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहाने से पहले तेल से मालिश करते हो या नहीं करते हो, पीठ पर साबुन लगा सकते हो या नहीं, और सोते समय तकिया पकड़ कर सोते हो क्या? मैं सपने में ज्यादा सुंदर दिखती हूँ या रियल में? सपने में मुझे छेड़ने की कोशिश करते हो या लल्लू की तरह भाग जाते हो? नींद में कुछ करते हो या बस खर्राटे ही लेते रहते हो? रात को कितनी बार टॉयलेट जाते हो? अगर मैंने आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली तो क्या मेरी जबान तेज हो गई? शादी के बाद मैं जितना खुश रखूंगी कोई नहीं रख पाएगा। समझ गया, तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। बाप रे, ये तो गॉन केस है। आधा प्यार करना था ना तुम्हें, आज पूरा कर लो।
पूरा का पूरा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। वैसे हम सब लोग शहर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ।